बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी द्वारा नए संसद भवन की तुलना ताबूत से किए जाने पर जमकर निशाना साधा। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी द्वारा शेयर किए गए पोस्ट पर सवाल उठाए और कहा कि क्या आरजेडी सांसद लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। सुशील मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद आरजेडी द्वारा किए गए ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करने वाले ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि आज भले ही सभी दलों के लोगों ने भवन बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्यवाही तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने ये तय कर लिया है कि वो नए संसद भवन का स्थायी रूप से बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे? ताबूत का चित्र दिखाना इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि राजद द्वारा ऐसा ट्वीट करना बताता है कि राजद की मानसिकता क्या है। उन्होंने कहा कि राजद हमेशा से ही देश का अपमान करती आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे, ये नया संसद भवन जो बना है, ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? क्योंकि राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए, एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता। बता दें कि आरजेडी ने ट्वीट कर नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की। आरजेडी ने ताबूत के साथ नए संसद भवन की एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया। ये क्या है? इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। बता दें कि देश की 21 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।